प्रेशर ऑफ ग्रेड्स, पढ़ना है या नहीं है, ग्रेड्स अच्छे लाने। बच्चों को ये लगता है कि शायद अपनी जान लेना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर के हम ये वाला प्रेशर जो है पेरेंट्स की तरफ से फेस करें। घर में जो डिसफंक्शनल फैमिलीज डेवलप हो गई हैं, फर्स्ट सर्कल होता है सपोर्ट, वो खत्म हो गया, उसकी वजह से वो वल्नरेबल हो गया टुवर्ड सुसाइड। जो होपलेस हो गया, हेल्पलेस हो गया, ही कांट टेक दिस, की रेजिलियंस पावर खत्म हो गई, वो सुसाइड कर लेगा। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना। छह माह से जैनब अपने घर नहीं गई, चार बार खुदकुशी की कोशिश इन्हें सहारा फाउंडेशन में ले आई है। जैनब की अब कंडीशन बेहतर है, मगर माजी की तल्ख यादें इन्हें आज भी परेशान करती हैं। जैनब खुद एक सहाफी हैं, मगर वो कौन सी परेशानियां थी जिन्होंने इनकी जीने की ख्वाहिश खत्म कर दी। याद रहे, जैनब इनका असल नाम नहीं है, इदारे ने इनकी ख्वाहिश पर राजदारी के लिए इनका चेहरा ब्लर किया है और नाम और आवाज बदल दी है। मुझे मॉम ने, मेरी माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। मैं तालीम में अच्छी थी और आगे बढ़ना चाहती थी, मगर न जाने क्यों मेरी माँ ही मेरी इस ख्वाहिश के खिलाफ थी। शायद वो जेलिस भी थी। माँ ने मेरी 13 साल की उम्र में एक जाहिल इंसान से शादी कर दी। उस जुल्म को मैं कभी नहीं भुला सकती। मेरी दो बेटियाँ हैं, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने सहाफत का पेशा भी इख्तियार किया। जब इंसान को लगता है कि उसके अपने भी उसको नहीं समझ पा रहे, तो वो इंतहाई कदम उठाता है। मैंने चार बार खुद को मारने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। खुशकिस्मती से जैनब जिंदा है, इसीलिए हम ये जान पाए कि आखिर ये मौत के करीब बार बार क्यों गई। जैनब की कहानी सुनने के बाद आपको एक बात का एहसास जरूर होगा कि बाज़ औक़ात आप या तो गफलतकार होते हैं या फिर गफलत का शिकार। मुश्किल टॉपिक्स को आसानी से समझने और हमारी हौसला अफजाई के लिए रफ्तार को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बचपन में मिलने वाले सदमे जंगली झाड़ के बीच का काम करते हैं। एक जंगली झाड़ जैसे बगैर सिमत के परवान चढ़ती है, इसी तरह चाइल्डहुड ट्रॉमा बगैर सिमत की सोचों को डिप्रेशन का रूप देता है। पाकिस्तान में कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो इस बीमारी के साथ समझौता करके खुद को मौत की वादी में ले जाते हैं। मुख्तलिफ एनजीओज के मुताबिक 2021 और 2022 के पहले 5 माह के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खुदकशी के 225 वाकयात में से 132 सिर्फ जिला गजर में रिपोर्ट हुए हैं। खुदकशी करने वालों की उम्र 15 से 29 साल के दरमियान है। गिलगित बल्तिस्तान आजकल जो है ग्लोबली एक सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है। सुसाइड करने वालों की जो तादाद है, उनमें जो रेशो है वो एडोलेसेंस का और यूथ का सबसे ज़्यादा है। हमने ये देखा वहाँ पे, जो हमारी बेसलाइन स्टडीज़ हुई हैं वहाँ पे, ये कि एकेडमिक फेलियर की वजह से बच्चों के एग्ज़ाम्स में नंबर कम आए हैं। हम बीइंग पेरेंट इस बात के ऊपर अगर हम फोकस करें कि इसमें कम आया, हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा हो, वो उसका एप्टीट्यूड हो, उसमें वो एक्सेल कर सकता हो, लेकिन जिसमें कम आया हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं बच्चों के। तो बच्चों को ये लगता है कि शायद अपनी जान लेना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर के हम ये वाला प्रेशर जो है वो अपने एडल्ट्स की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से फेस करें। पढ़ना है या नहीं है, ग्रेड्स अच्छे लाने हैं, पेरेंट्स का प्रेशर बहुत है। पेरेंट्स ने कहा फलाँ के देखो बच्चे के नंबर्स क्या आए हैं, फलाँ के बच्चे के नंबर्स क्या आए हैं, तुम मुझे शर्मिंदा करोगे सबके सामने, तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो, अब तुम्हारा रिजल्ट ऐसा आया तो फिर तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये सिर्फ वर्बल नहीं होता, शायद फिजिकल भी हो जाता है। आप मुझे बताइए, फिर ग्रेड्स तो बढ़े नहीं बढ़े, बच्चे के अंदर डर कितना बैठ गया। तो उस टाइम जब उसके हाथ में रिजल्ट कार्ड आया और देखा कि नो, आई एम नॉट अप टू द मार्क, काफ़ी स्टैट्स आपको मिलेगी इस तरीके की जिसमें बच्चों ने सिर्फ इस तरीके से इम्पल्सिव सुसाइड किया है, कि अब वो रिजल्ट कार्ड कैसे पेरेंट्स को थमाएंगे। 4 में से 3 लोग डिप्रेशन से तंग आकर खुदकुशी करते हैं। आजकल बच्चों के मिजाज को समझने के लिए वालिदैन को भी अपने जज्बात एक तरफ रखना होंगे। जो होपलेस हो गया, हेल्पलेस हो गया, ही कांट टेक दिस, की रेजिलियंस पावर खत्म हो गई, वो सुसाइड कर लेगा। जो सुसाइड नहीं करेगा वो या तो सप्रेस्ड हो जाएगा या रिबेलियस हो जाएगा। तो बागीपन इज रिबेलियस। रिबेलियसनेस में यही होता है कि फिर इंसान टोटल अपोजिट के, ठीक है अब जो करना है करो, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि नफसियाती बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। ऐसा नहीं, डिप्रेशन एक जहनी बीमारी है जिसके 22 लोग खुदकुशी की जानिब माइल हो जाते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कौन सा लम्हा होता है जब इंसान जिंदगी से छुटकारा चाहता है। जो ब्रेन है वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर रहा होता है जो कि या तो हमें
खुश महसूस कराता है या हमें सैड फील करा रहा होता है। डिप्रेशन में जब हम इस हद तक पहुंच जाते हैं कि हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं या डोपामिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाती हैं। रिसर्चेस हमें ये बताते हैं कि अगर उस टाइम पे इंटरवीन साइकोलॉजिकल या प्रोफेशनल हेल्प उसको मिल जाए, या कोई ऐसा बंदा जो कि पूरे खलूस और इखलास के साथ आपकी बात सुन लो और आपको जजमेंटल जो है पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देगा, तो वो आप उसको रोक भी सकते हैं। ये जो दौरानिया रहता है ना, वो जो एक्टिव फेज रहता है, ये आपका कोई 7 से 15 मिनट है। मैं किसी तरह से गायब हो जाऊं या मोटरसाइकिल से गिरूं और मेरी मौत का परवाना घर वालों को मिल जाए, मेरी मैयत पर घर वाले कैसे रोएंगे, जनाजे में कितने लोग आएंगे? अगर ऐसे ख्यालात आपको भी आते हैं तो इसे आम सी बात मत समझें। ये सुसाइडल थॉट्स हैं जो आपको और जो आपकी बात सुनते हैं उन्हें वार्न कर रही हैं। अगर इन ख्यालात को रोका ना गया तो याद रखें, ये ख्यालात हकीकत का रूप धार सकते हैं। याद रखें, सुसाइड करने वाले के साइंस जरूर मिलते हैं। जैसे कुछ वर्बेटम्स होते हैं कि जिंदगी में अब मजा नहीं है, मुझे अब जिंदगी का फायदा दिखता नहीं है। तो देखिए, अगर वो अपना साइन दे रहा है, चाहे वो मजाक में दे रहा है, तो हमें ये चाहिए कि उनके वार्निंग साइंस जो हैं वो हम जरूर उस पर फोकस करें। क्योंकि बहुत दफा ऐसा भी हुआ है कि एक इंसान ने हल्के फुल्के अंदाज में एक बात कही और दूसरे दिन वो डेड पाया गया। ये हमें दिखता है कि ये अचानक है, ये सडन है। सुसाइड का अंडरलाइन फैक्टर ट्रॉमा, सदमा जिससे इंसान गुजर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, बुलिंग एक ट्रॉमा है और एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है, राइट? कि आप जब छोटे थे, आप तभी उस क्लास में टीचर से बहुत ज्यादा सुनते थे, तो आपके क्लास फेलोज थे, वो भी आपको बुली करने लग गए। एक होते हैं इम्पल्सिव एक्ट में खुदकुशी करना, बात बुरी लगी और जज्बाती होके आपने एक्ट कर दिया, ये इम्पल्सिव सुसाइड होती है। सेकंड प्लान्ड होती है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि लोग सुसाइड नोट छोड़ के जाते हैं, वो भी प्लान्ड होता है, उसमें रीजंस भी बताते हैं। वो रीजन से हमें दिखता है कि वो चीजें कब से उनकी लाइफ में चल रही होती है। माफ कर देना, ना मैं आपके काबिल हूं, ना मैं बच्चों के, ना मैं अच्छा बाप बन सका, ना मैं अच्छा हस्बैंड और ना अच्छा बेटा। मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, जो उन्होंने मेरा जीना आराम किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर सेल कर देते। आपने बोला नहीं, घर नहीं सेल करना, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे माफ़ कर देना, मेरा मोबाइल बंद रखना कम अज़ कम 1 महीना और बाद में से मैं निकाल के फ़ोन मुनीब को दे देना। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत हो, हैदराबाद की 12 साला मोमिना हो, या फिर 63 साला अरबपति आलमगीर तरीन, खुदकशी इम्पल्सिव या फौरी रद्द अमल के तौर पर नहीं की जाती। हैदराबाद में वाकई निजी स्कूल की कमसिन बच्ची ने स्कूल की 3री मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी की थी। इसका ये अमल इम्पल्सिव नहीं था, सुसाइडल नोट इस बात की गवाही है कि इस नन्ही सी बच्ची का दिलो दिमाग कुछ अरसे से इमोशनल ट्रॉमा का शिकार था। स्कूल में बुलिंग और घर में नारवा सलूक ने इस नन्ही बच्ची को संभलने का मौका ही न दिया। शख्सियत के बनाओ या बिगाड़ में वालिदैन का किरदार सबसे अहम है। बच्चा तो कोरे कागज की तरह होता है, वो सिर्फ अपनी जिंस लेकर पैदा होता है। इसकी शख्सियत मुआशरा तश्कील देता है और मुआशरे की फर्स्ट लाइन बच्चे के वालिदैन हैं। अगर वालिदैन ही बच्चे को नहीं सुनेंगे तो वो कहाँ जाएगा? आखिर कौन सी अलामत है जिससे पता चल सकता है कि खतरे की घंटी बजने वाली है? हमारे यहाँ अब्यूज को अब्यूज समझा ही नहीं जाता। बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा इसमें विक्टिमाइज हो रहे हैं। उनको जो है वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हुए डर लग रहा होता है, किसी से बात करते हुए डर लग रहा होता है। उनके सराउंडिंग में सपोर्ट सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता जा रहा है। वालिदैन जो हैं या गार्डियन जो हैं, दे आर द सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो उसके लिए एक सायादार दरख्त होते हैं। जब वही उसके साथ करने लग जाएंगे ऐसा, तो उसके पास आउटलेट कोई नहीं होता। एक तो ये कि पेरेंटल डिस्प्यूट्स ने, जो कि बहुत फ्रीक्वेंट हो गई हमारी सोसाइटी में, वो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं घर में। तो घर में जो डिसफंक्शनल फैमिलीज डेवलप हो गई हैं, उसकी वजह से एक बच्चे का बहुत बड़ा जो फर्स्ट सर्कल होता है ऑफ सपोर्ट, वो ख़त्म हो गया है। उसकी वजह से वो वल्नरेबल हो गया है टूवर्ड्स सुसाइड, और वो चांसेस हैं कि वो सुसाइड कर ले। वालिदैन बच्चे के लिए
पहली दर्शगाह का दर्जा रखते हैं, मगर फिर भी इनको बच्चे की इमोशनल टर्बुलेंस के बारे में आगही नहीं होती। बच्चों के तौलीदी मसाइल, बलूगत के मसाइल और इसके दौरान पैदा होने वाले हार्मोनल या केमिकल चेंजेस की आगही नहीं होती, जिसकी वजह से हम अपने बच्चे को बदतहजीब समझते हैं या फिर बागी। और आपके ये जुमले आगे जाकर इनमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप कर देते हैं। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इंसान के लाशऊर या अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे लोग जब बड़े होते हैं तो किसी आम अमल से भी ट्रिगर हो जाते हैं और बाज़ुकात ये रवैया शिद्दत भी इख्तियार कर जाता है। अब हम तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं। आम लोगों से हटकर बात करते हैं तो डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी इस गफलत से मुबर्रा नहीं। एक डॉक्टर जो हमारे मुआशरे का पढ़ा लिखा और काबिल तरीन तबका समझा जाता है, जिनको अमली तौर पर इंसान की नफ्सियात की तरबियत सिखाई जाती है, ये भी डिप्रेशन से बच नहीं पाते। हद ये है कि डॉक्टर्स में बिलखसूस मारे नफ्सियात, जिनकी महारत ही नफ्सियात की दुरुस्तगी होती है, इनको भी कभी कभी मुआलिज की जरूरत पड़ जाती है। इसकी मिसाल नश्तर मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड 66 साल डॉक्टर अजहर, जो न सिर्फ खुद माहिर नफ्सियात थे बल्कि उनकी बेटी भी डॉक्टर बन रही थी। इन्होंने न सिर्फ अपनी बेटी का कत्ल किया बल्कि अपने आप को भी खत्म कर लिया। वजह डिप्रेशन थी। इसकी दूसरी मिसाल माहिर नफ्सियात डॉक्टर अतिया नकवी की है, जिनके 24 साल बेटे अम्माद नकवी ने कैद तनहाई की वजह से खुदकशी कर ली। माँ जो दूसरों की मसीहा थी, वो अपने अकलौते बेटे की ही दाद रसी न कर सकी। डिप्रेशन का मौजू जिसको हमने लादीनियत से मिला दिया, कभी भूत प्रीत से मिला दिया, किसी ने इसको गलत संगत का नतीजा करार दिया, मगर किसी ने इस मौजू के ऊपर ना बात करना चाहिए ना ही असल वजह जाननी चाहिए। अगर किसी को आप कह दें कि आपको मारे नफ्सियात की जरूरत है, तो जवाब आता है कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो।